हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सत्य हम सफर चैनल। और अभी हम हैं दार्जिलिंग में। भाई सब लोग हिमालयस की ओर मूव करते हैं दिसंबर के टाइम में, ताकि किसी को बर्फ़ दिखे और बाकी जो ठंड को एंजॉय करने के लिए। और इसी तलाश में हम लोग आज पहुंच चुके हैं क्वीन ऑफ हिमालयस यानी दार्जिलिंग में। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो टाइमिंग है वो काफ़ी परफेक्ट थी। और यहाँ पर अभी घूम फेस्टिवल की तैयारी चल रही है, जिसे रेलवेज द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये फेस्टिवल 23 नवंबर से लगभग 5 दिसंबर तक चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। और जो ये है एक्चुअली मेन दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी खूबसूरती सजाया गया है। अंदर भी मैं आपको ले चलूँगा और कुछ ऐसा दिखता है हमारा खूबसूरत सा दार्जिलिंग शहर। और जहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि स्टीम लोको शेड भी है, जहाँ पे जो टॉय ट्रेन्स के जो लोकोमोटिव है वो तैयारी कर रहे हैं अपने सफ़र की, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। और यहाँ से जो होटल्स हैं और जो बिल्डिंग्स हैं और जो रहने की जगह हैं, ये सब शुरू हो जाती हैं। चलिए कुछ ही समय में ले चलूँगा आपको अंदर, और आप लोग भी मेरे साथ इन्जॉय कीजिए घूम फेस्टिवल, जो कि फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवेज द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो दोस्तों, घूम फेस्टिवल की जो तैयारी है काफ़ी ज़ोरों शोरों से है, और वहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग हैं घूम रेलवे स्टेशन में, जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। तो अब आज के हम लोग घूम में, चलिए देखते हैं अंदर किस चीज़ के स्टॉल्स हैं, क्या व्यवस्था है, और बाद में मैं आपको फंक्शन भी दिखाता हूँ जो रेलवे की तरफ से ऑर्गेनाइज है। जो कल्चर है या जो रीति रिवाज और जो प्रथा है, उन सभी को आप सभी के सामने लेकर आने के लिए हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए खाने पीने का सामान है सब जगह, और ये फेस्टिवल की तैयारी है। अभी तो खैर सुबह है, ज्यादा भीड़ नहीं, वरना शाम को ट्रेनों के अराइवल में आपको बहुत अच्छी भीड़ भी यहाँ देखने को मिलेगी। फिर से एक बार तो सोगा ताले स्वागत करिएगा। फिर से एक बार आ रही है रिंकू चटर्जी एंड ग्रुप आप सभी के सामने एक हमारा भारतीय फोक डांस को लेकर, जिसका नाम है बिहू। दार्जिलिंग की शान है यहाँ के मोमोज, और इतना अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि आप सभी चीज़ें एक साथ एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे हैं घूम फेस्टिवल में, साथ में इतने सारे स्टॉल्स यहाँ पे जहाँ पे आपको वैरायटी की वेज एंड नॉन वेज चीज़ें मिल जाएंगी। अब मुझे तो मोमोज बहुत पसंद है, जो कि दार्जिलिंग के फेमस भी है, तो मैंने वो ले लिया है और चाय ले ली है। और ठंडे से मौसम में इन चीज़ों को हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे आएंगे और घूम फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें आपको रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, जो चीज़ें इतना इजीली और इतने फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ना, मुझे लगता है कि कहीं और आपको मिलेंगी। देखिए कितनी शांति और कितना अच्छा मौसम है यहाँ पे। ये है दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन यानी घूम। दोस्तों हमारे पीछे है जॉय राइड का स्टीम लोकोमोटिव, और जो जॉय राइड है वो दार्जिलिंग से घूम के स्टेशन तक चलती है, और आप ये सभी फंक्शंस एंजॉय कर सकते हो। बेस्ट बात यह है कि आपको केवल एक तरफ का पैसा पे करना पड़ता है, और रिटर्न आप किसी भी गाड़ी में जा सकते हो। अभी टोटल 6 पेयर ऑफ ट्रेन चल रहे हैं, आप किसी भी ट्रेन से आइए और किसी भी ट्रेन से आ सकते हैं, लेकिन हाँ अगर उसमें सीट खाली है तो ही आप उस ट्रेन से जा सकते हैं, और घूम के इस शानदार फेस्टिवल को भी इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा रेलवेज ने और बहुत सारी ट्रेन के लिए किया है, जैसे रेड पांडा सर्विस हो गई, जंगल टी सफारी हो गई। तो एक ये बेस्ट चीज़ हो जाती है, क्योंकि इससे पैसेंजर्स के ऊपर जो लोड है वो कम पड़ता है, और साथ ही साथ आप इस खूबसूरत सी स्टीम जॉय राइड का मजा एक ही बार में पैसे पे करके इंजॉय कर सकते हैं।
ये है दार्जिलिंग की मॉल रोड, जिसे अभी एक्सप्लोर करने निकले हैं। घूम फेस्टिवल भी काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है और मॉल रोड एक्सप्लोर करने हम लोग निकले हैं। ईस्टर्न आर्ट्स और ये द टी शॉप, यहाँ पे आप दार्जिलिंग की स्पेशल टीज को ट्राई कर सकते हो, खरीद भी सकते हो। मॉल रोड जितनी स्पेशल है उतनी ही ठंड भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुकी है। यहाँ पे मतलब शॉल्स, टोपी, जैकेट सब चीज़ काफ़ी अच्छे रेट्स में मिल रही है, 300 वगैरह में। और भाई मणिपुर हैंडलूम स्टोर भी है यहाँ पे, जहाँ पे आपको मणिपुर के कल्चर की चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से। और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल शाम भी है। तो ये है यहाँ की फेमस ग्लेनरीज और सामने बहुत सारे शॉप्स हैं, मतलब टूरिस्ट पूरे भर भर के आए हुए हैं दार्जिलिंग में। कश्मीरी हैंडलूम, नेपाल हैंडलूम और यहाँ पे आपको पश्मीना वगैरह मिल जाएंगे और लेडीज़ के पसंद की जो विंटर वेयर्स होते हैं ये भी बहुत ही ईजिली और अच्छे मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में ना। देखो सूट्स वगैरह क्यों शैंस भाई, स्काई देखो और स्ट्रीट फूड भी है, ये रेडी हो रहा है क्योंकि अभी तो शाम के लगभग 5 बजे हैं और रात होना यहाँ शुरू हो गई है और स्ट्रीट फूड तैयार हो रहा है। वैसे हम लोग थोड़ा आ गए हैं, यहाँ पे फूड स्ट्रीट वाला माहौल है, यहाँ पे नॉन वेज वेज ऐसे सभी तरह के आइटम, चाउमीन वगैरह आपको मिल जाएगी। तो भाई मॉल रोड ज़रूर आइएगा जब भी यहाँ आइएगा। से भी पूछो दार्जिलिंग में वो यही सलाह देता है कि भाई नाथमूल से आप लोग टी खरीदिए, पर मैं आपको लोकल लोगों से काफ़ी डिटेल में पूछने के बाद ये सलाह दूंगा कि एक और शॉप हमें पता चली जो कि रेलवे स्टेशन के अच्छा क्वालिटी का चाहिए। देखो क्या रेट लगाओगे इसका, 160 का आपका, 100 ग्राम अच्छा 200 का। इसमें ऐसा क्या भी है खास, ये सेकंड क्लास का फ्लेवर देता है, ये चामुन का है आपका, और ज़्यादा क्वांटिटी में लिए तो क्या रेट लगाओगे आपको, इस पर देखिए इसका तरीका ऐसा रहता है, दार्जिलिंग टी देखने का तरीका स्मेल आ रही है। बेस्ट कौन सा रहेगा आपके हिसाब से जो आप हमें सजेस्ट करोगे ले जाना? मीडियम रेंज में तो आपको सजेस्ट यही करते हैं और आपको स्पेशल लेना था आपको 350 का स्पेशल 100 ग्राम है वो 100 ग्राम दिखा दो, वो भी दिखाई दो आप। ये रहता है आपको चामुन पी का आपका 100 ग्राम बस 350 का है। ये सबसे ऊपर का नरम पत्ता रहता है ये उसका है, ये जो अभी दिखाए कुको के तो आ गया ज़्यादा स्मेल, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है, आपको ये पीने के बाद भी इसके जीप टॉन्ग में आपको फ्लेवर रहता है। तो अगर इसी के स्पेशल में आपका नेचुरल में इसी के 10 पैकेट लेंगे तो क्या रेट लगाओगे आपको, कौन सा लेना है पहला स्पेशल 350 वाला जो आप बोले आपका 330 लगेगा आपको। और इसके अलावा सभी फ्लेवर में भी आपको मिलेगा, जैसे कि ग्रीन टी के साथ जो वाइन जैसे ग्रीन टी वगैरह नहीं चाहिए, बाकी हमें मिल्क टी में ही चाहिए था, बाकी अच्छा आपके पास वैरायटी अवेलेबल है कम से कम। कश्मीरी कहवा कैसा है, कश्मीरी कहवा है आपको 50 ग्राम का 185 का,
उसका मतलब कैसे बनता है वो? तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं ग्लेनरीज में और यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं कुछ केक्स जिनको हम अभी से यहाँ से ऐसे पिक करने का ऑप्शन है, आप पिक करके ले जा सकते हो यहीं से। अच्छा लग रहा है वैसे देख के यार, एक्सप्लोरिंग दार्जिलिंग। ये कौन सा है? फ्रूट केक। लेट्स सी, अच्छा लग रहा है ना? अब पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। बोलो कुछ एगलेस आइटम और वहां से लेना है क्या? कुछ बिस्किट्स वगैरह तो नहीं ना? चॉकलेट्स? और यहाँ पे ये क्यू है जिसे फॉलो करके हमें इन सब चीज़ों की बिलिंग भी करानी है और साथ में आप इंटीरियर देख सकते हो कितना शानदार है इस जगह का। काफ़ी भीड़ है, मतलब लोग इसे बहुत प्रेफर करते हैं दार्जिलिंग में ट्राई करने के लिए। और वैसे मुझे ये जगह भी काफ़ी अच्छी लगी। गाइज आप लोग को मैंने चाय की दुकान वगैरह दिखा दी, कहाँ से चाय खरीदनी बता दिया, सब कुछ हो गया। और मैं रेड पांडा ट्रेन से अब पहुँच चुका हूँ टी गार्डन भी। तो मेरी तरफ से जो मेरा ये सफ़र है अब आप लोग के लिए ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ तरह तरह के रूट्स में लेकर के आता रहूँगा। मिलेंगे जल्दी ही आने वाले वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।